हेलो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी कंसेप्ट ग्रुप क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जो हमारी सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी कंसेप्ट ग्रुप क्लासेस में, क्लास टेंथ की जो लेसन नंबर चल रही थी, हमने दो फिजिक्स के लेसन करा दिए और बायो के भी करा दिए। तो मैंने सोचा क्यों ना केमिस्ट्री का एक दो लेक्चर और डाल दिया जाए यूट्यूब चैनल पर। तो आज कुछ टाइम मिला आपके लिए, तो मैंने आज एसिड बेस एंड साल्ट का जो चैप्टर है वो आज कराएंगे। आज आपको क्लास टेंथ में लेसन नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है ना। तो हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में से बहुत ज़्यादा पेपरों में से इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं एसिड और बेस और साल्ट। वैसे भी दोस्तों हमें इनके बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। कंपिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं एसिड क्या होते हैं, बेस साल्ट और क्या होते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे करके वो पूछ सकता है कि एसिड कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं और साल्ट कौन से होते हैं। तो हम एक आसान मीडियम से क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे मीडियम से आपको एसिड बेस और साल्ट का चैप्टर करा दिया जाएगा दोस्तों। तो आप बने रहे हमारे साथ और आज करते हैं दोस्तों एसिड बेस और साल्ट। देखिए दोस्तों, लेसन नंबर 2 क्लास 10 एसिड बेस और साल्ट की बात करते हैं। कुछ ट्रिक देंगे आपको, ठीक है, एसिड बेस साल्ट में जो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो जितने भी नीट और AIBM जितने भी एग्जाम होने IIT JEE उनमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जरूर। कंसेप्ट भी आप यहां से क्लियर कर लेते हैं, NCERT कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ज़्यादा समय न खराब करते हुए। दोस्तों देखिए, एसिड बेस और साल्ट पहले इनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर हमारा ही एसिड बेस और साल्ट है, ठीक है। एसिड बेस और साल्ट, एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल और बेस को कहते हैं क्षार और साल्ट को कहते हैं लवण। दोस्तों आज बात कर लेते हैं एसिड की। सबसे पहले एसिड के बारे में जान लेते हैं एसिड होता क्या है। आपने देखा होगा कई बार कुछ चीजें खाते हैं हम, तो हमें जो चीज खाई है हमने उसका जो टेस्ट है, टेस्ट करके खाते हैं सबसे पहले। हमारी जो जीभ है वो सबसे पहले टेस्ट कर लेती है उस चीज का, तो जीभ बताएगी हमें ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें टेस्ट किया, कोई भी आइटम खाया हमने तो उसका टेस्ट किया, तो हमें वो कैसा लगा, बीटर लगा या श्योर लगा, खट्टा लगा, ठीक है, या कड़वा लगा। जैसे हमने मान लेते हैं हमने संतरा खाया दोस्तों, संतरा कैसा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है? जी हाँ दोस्तों, खट्टा होता है, ठीक है। उसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं एसिड होता क्या है, रियल में एसिड होता क्या है। देखिए एसिड वो होता है दोज कंपाउंड्स विच प्रोवाइड एच पॉजिटिव आयन ऑन डीकम्पोजिशन आर कॉल्ड एसिड। अम्ल क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न बनेगा आपको, डिफाइन एसिड। तो एसिड को डिफाइन करेंगे वे यौगिक जो प्रोवाइड करते हैं, जो हमें देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों, एच पॉजिटिव आयन। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। ये जो एसिड होते हैं एच पॉजिटिव आयन हमें प्रदान करते हैं, कब, जब इनका विखंडन होता है, डीकम्पोज होते हैं, ये विघटित हो जाते हैं, तब क्या करते हैं एच पॉजिटिव आयन हमें प्रदान करते हैं, कौन, एसिड। इसका अपोजिट देखते हैं बेस क्या होते हैं, अब बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। वे यौगिक जो प्रोवाइड OH नेगेटिव, दोस्तों याद रखना आपने, OH नेगेटिव आयन जो हमें प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं विघटित होने के बाद, उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब साल्ट के बारे में और पढ़ लिया जाए, द कंपोजिशन ऑफ एसिड एंड बाय बेस इज कॉल्ड साल्ट। कुछ एसिड और कुछ बेस मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कुछ एसिड मिलकर के और कुछ बेस मिलकर के क्या बना देते हैं, साल्ट बना देते हैं। तो इनके बारे में डिटेल से हम जानेंगे अब। तो पहला तो जो अम्ल है दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं, HCl है, एच पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हमने लिया दोस्तों एग्जाम्पल लिया है एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो हमने इसका डीकम्पोजिशन किया, ठीक है, रिएक्शन का,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को विघटित किया हमने, तो हमें क्या मिला, एच पॉजिटिव आयन और सीएल नेगेटिव। यहाँ से आप देखिए कि हमें एसिड मिल रहा है या क्षार मिल रहा है, बेस मिल रहा है, हमें एच पॉजिटिव आयन मिल रहा है, तो समझो हमें एसिड मिल रहा है। एच पॉजिटिव आयन मिल गया तो एसिड मिल गया। जी हाँ प्यारे दोस्तों, एच पॉजिटिव आयन मिलते ही एसिड मिल जाएगा आपको, बस यही याद रखना है। इसमें हम किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, OH नेगेटिव। तो हम क्या बोल लेंगे, ये तो क्या है, बेस है दोस्तों, क्या है, बेस। और साल्ट की बात कर लेते हैं, कंबाइन एसिड भी मिलेगा और साल्ट बोले तो बेस भी मिलेगा, तो क्या बनेगा तुम्हारा, साल्ट। कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूं, अब मैं दूसरा लेता हूं कोई एसिड। कमेंट में राय दें अपनी, भी आपको कैसी लग रही है वीडियो। हमने एग्जांपल लिया एक और, हमने ले लिया नाइट्रिक एसिड का, अच्छा NO3 दोस्तों, ये नाइट्रिक एसिड है दोस्तों, ठीक है, अच्छा NO3। तो हमने इसको डीकम्पोज करने की कोशिश की तो ये डीकम्पोज हो गया दोस्तों, एच पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव आयन। हाँ जी दोस्तों, हम कह सकते हैं एच पॉजिटिव आयन है तो ये क्या है दोस्तों, एसिड है। अब बेस की बात कर लेते हैं, बेस में क्या है, हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पॉजिटिव, OH नेगेटिव, चलो ये तो हमने कर लिया था। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, इसका क्या किया हमने, डीकम्पोज कर दिया, ठीक है, क्या मिला हमें, पोटेशियम प्लस OH नेगेटिव। हाँ दोस्तों, अब इसको कह सकते हैं हम क्या, कि ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, बेस की, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, OH नेगेटिव। तो एसिड बेस साल्ट में आप डिफरेंस लिख सकते हो दोस्तों, दोनों तीन नंबर में पूछे जाएगा तो आप बता सकते हो कि एसिड बेस साल्ट क्या होते हैं, ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है एसिड बेस साल्ट की। ये मान लीजिए पेपर में आप पूछ लिया जाता है एसिड बेस साल्ट में डिफरेंस बताओ, तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हो, पहले इसकी डिफाइन करना है, फिर इसकी बताना है, मे बी ये OH नेगेटिव देता है या पॉजिटिव देता है, फिर एक एक एग्जांपल बता देना है दोस्तों आपको, ये आपके एसिड बेस साल्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। एक वीडियो के रखिए, मैंने कुछ साल्ट के बारे में बताया है कि कौन कौन से साल्ट है, तो वो आप जरूर देखना यूट्यूब चैनल पे अपने, ठीक है। अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल थे, अच्छा NO3 है, और अम्लों का राजा की बात कर लेते हैं दोस्तों, H2SO4, इसको डीकम्पोज करते हैं तो इसको भी डीकम्पोज करेंगे तो ऐसे ही होगा दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कई बार, जो अम्लों का राजा होता है, जो एसिड का किंग होता है, किंग ऑफ एसिड, राजा किसका राजा, अम्लों का राजा, उसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। कमेंट में बताना इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है, हमने इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। ये तो था दोस्तों एसिड बेस साल्ट में डिफरेंस। अब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, एसिड आर श्योर इन टेस्ट, एसिड जो होते हैं टेस्ट करेंगे एसिड को तो हमेशा कैसे मिलेंगे, खट्टे मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, हमेशा खट्टे मिलेंगे, जैसे नींबू है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, तो कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है दोस्तों, कॉमेंट में राय देना अपनी, ठीक है, भी नींबू का जो रस होता है वो खट्टा होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, एसिड जो होता है श्योर होते हैं टेस्ट में, और बेस हमेशा क्या होते हैं, बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, कड़वे, कौन, बेस, ठीक है। क्षार की बात कर लेते हैं, वो हमेशा कड़वे होते हैं, और साल्ट जो है वो नमकीन होते हैं दोस्तों, नमक देखा होगा, ये बना दिया नमक, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, एसिड है, बेस है, साल्ट है, वेल डन, एसिड है, एसिड है या बेस है। अरे दोस्तों हमें अभी भी मैंने बताया था भी एसिड और बेस और साल्ट, एसिड वो होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन दे, और बेस वे होते हैं जो एच नेगेटिव दे, और साल्ट वे होते हैं जो दोनों से मिलकर बने हो, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा आपको, बेस, वो अच्छा दोस्तों, इसको आप डीकम्पोज करते हैं।